हे गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, हमें घर के बाहर अभी रोज़ भाई भी मेरे साथ में है। आज कोई काम नहीं हो रहा है घर पे, तो आज मेरा एक काम है जो बाइक मैंने लगभग एक महीने पहले सीज़ कराई थी। उसके लिए मैं दो तीन बार जा चुका हूँ लेकिन मिली नहीं थी मुझे। सो आज मैं जा रहा हूँ उस बाइक को छुड़ाने के लिए, और कोई काम भी नहीं घर में, तो अपना बाइक भी छूट जाएगी और अपना ब्लॉग भी बन जाएगा काफ़ी अच्छा। तो अभी घर के सामने वाला जो रोड है ऊपर को, यहीं से वॉक करते हुए निकल जाएंगे पैदल, क्योंकि हमारे पास दूसरी बाइक भी नहीं है। एक बाइक और थी तो वो ख़राब पड़ी है, पता नहीं क्या है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो सामने का नज़ारा देखो आप, इस तरह का है इस वक्त का। तो भाई, वो रहा मेरा फेवरेट हाउस जो मेरे को बहुत पसंद है मेरे घर के आसपास में। बाकी ये जो चढ़ाई है ना भाई, ये सबसे बड़ा टास्क होता है यहाँ चढ़ना, बट हमें आदत है। फिर भी हमारे जो फेफड़े हैं ना, वो कुचुड़ करते रहते हैं चलने में। तो ऐसे ये जो टास्क है चढ़ाई वाला, ये भी लगभग हमने पूरा कर लिया यहाँ तक का। सामने IPS हाउस के पास पहुँच गए फिर भी। मेरे को आवाज़ आ रही है ऊपर, NCC ऑफिस से आ रही है शायद, ये नेवी की आवाज़ है कि परेड हो रही है शायद कोई। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने ही। ऊपर देखो गाइस, यहाँ पर परेड चल रही है बच्चों की। लाओ ना, ये देखो सामने गन साथ में सबके। तो ये NCC ऑफिस है और हमें जाना है इधर को। तो आज अपने दोस्त हमें काफ़ी ऊपर आकर मिले हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज भूल गए हमें, दो चार दिन से आ नहीं रहे, हमारी तरफ नाराज हैं शायद। तो फिलहाल गाइस, हम पहुँच गए नैनी रिट्रीट के गेट के सामने। कुछ चेकआउट कर रहे हैं लोग यहाँ से, चेकआउट टाइम हो गया है गेस्टों का निकलने का। तो दो तीन दिन पहले मैं यहाँ तक ब्लॉग बनाने के लिए आया था, लेकिन मैं नैनी रिट्रीट के गेट के सामने से पीछे को टर्न हो गया था। लेकिन अभी उसी के सामने से जो रोड आगे को जा रहा है ना, वहीं से आगे को जा रहे हैं। ये DSB कॉलेज उसके सामने जस्ट जाकर निकलेगा, वहीं पर स्टॉप होगा, वहाँ से फिर हाईवे से टच हो जाएगा। तो फिलहाल गाइस, हम लोगों ने यहाँ का जो रास्ता है ये वाला भी कवर कर लिया है। ये तो बहुत आसान, बहुत इजी था बिल्कुल, मतलब नॉर्मल जैसा रास्ता होता है वैसे ही था। और बगल में मेरी लेक देखिए, लेक के जस्ट बिल्कुल बगल से मैं चल रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त व्यू है अभी पीछे से, देखिए आप इसके बैक कैमरा से। तो ये देखो गाइस, पूरा नैनीताल दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो फिलहाल गाइस, हम पहुँच गए DSB कॉलेज के गेट के सामने एकदम। तो गाइस, ये कॉलेज का गेट है और ये व्यू है भाई, क्या ऑसम व्यू। तो गाइस, फिलहाल हम पहुँच गए गवर्नर हाउस के सामने। सामने ही गवर्नर हाउस है, देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। इसमें भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ही, और अभी हमें थोड़ा सा और नीचे जाना है। लगभग हम 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर वॉक करके आ गए हैं। ये गवर्नर हाउस और हमें जाना है अभी इधर को नीचे। तो फाइनली गाइस, हम कोर्ट के सामने पहुँच चुके हैं। अभी बस सामने ही SSP ऑफिस है ना, उसके बगल में ही वहाँ पर जहाँ पेपर रखे हुए हैं हमारे बाइक के, वहाँ जा रहे हैं अंदर। तो फिलहाल गाइस, हम आ गए हैं सी ऑफिस से बाहर, क्योंकि हमारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं बट बाइक अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो अभी देखते हैं, यहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पर क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं। एड्रेस कुछ, मतलब जहाँ करंट में रह रहा हूँ वहाँ का एड्रेस लिखा दिया तो कह रहे हैं DL में दूसरा है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो फिलहाल गाइस, हम पहुँच चुके हैं ठंडी सड़क के पास में, लेक के किनारे पर। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे तल्लीताल पुलिस स्टेशन से होते हुए मल्लीताल तक, मतलब बाय मॉल रोड जाएंगे। तो भाई, ये अपना शहर नैनीताल लेक, और यहाँ से भी आगे को जाना है। तो भाई फाइनली हमें मॉल रोड में, ये अपना लेक और ये अपना मॉल रोड, और इधर है अपनी धूप। मस्त भाई, मज़ा आ रहा है धूप में चलने में, क्योंकि हम सी ऑफिस की तरफ थे तो वहाँ पर धूप नहीं आ रही थी, काफ़ी ठंडा हो रहा था उस एरिया में। तो अभी यहाँ से देखिए नज़ारा। तो भाई, तल्लीताल में तो अपना काम हुआ नहीं, बिकॉज़ वहाँ पर CO थे नहीं। अभी हम जा रहे हैं मल्लीताल में, मल्लीताल पुलिस स्टेशन में देखेंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। उनके सिर्फ साइन कराने इसमें। तो भाई, लगभग हमने मॉल रोड भी कवर कर लिया है, बस सामने ही मॉल रोड जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर चौकी बनी है, तो हो सकता है वहाँ पर हमें CO मिल जाए, तो वहाँ साइन हो जाएंगे हमारे पेपर में। बाकी इधर बोटिंग कर रहे हैं लोग, मज़े ले रहे हैं, हमने भी मॉल रोड के मज़े ले लिए हैं पैदल चलते चल चल के। तो फिलहाल गाइस, मैं आ गया हूँ घर। मुँह बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया बिकॉज मेरी बाइक नहीं मिल पाई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं यार पुलिस स्टेशन में, मतलब बेफालतू में परेशान करना। मेरा एड्रेस पहले 12 पत्थर का था, और मैंने जो चलान था उसमें जहाँ मैं करंट में भी मल्लीताल, मतलब एयरपाटा में जहाँ कर रहे वहाँ का लिखा दिया, तो कह रहे हैं या तो आधार कार्ड में वो DL में चेंज करा के लाओ अपना एड्रेस, या फिर इस चलान के अंदर एड्रेस चेंज करो। तो गाइस, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं आधार कार्ड में कैसे DL में कैसे चेंज करा के लाऊँगा। उसके लिए तो हल्द्वानी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये लाओ वो लाओ, सारे पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स लगेंगे उसमें, और उससे ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। तो बेफालतू में परेशान करना, और कुछ नहीं।
तो अभी फिलहाल मैं घर आ गया हूँ और मूड बहुत अपसेट है। तो फिलहाल गाइस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।